और वही सूत्रों के हवाले से बिहार लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर मिल रही है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच में सीट शेयरिंग पर लगभग सहमति बन चुकी है। खबर यह है कि कांग्रेस बिहार में 9 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरेगी। बहुत जल्द उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी की जा सकती है, लेकिन उसके पहले सीट बंटवारे पर आज आरजेडी और कांग्रेस के बीच में एक अहम बैठक होने वाली है। इसमें सीट शेयरिंग पर फाइनल मुहर लग सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, औपचारिक ऐलान अभी इसका बाकी है। एक मीटिंग इसके पहले कि नाम उम्मीदवारों का जाहिर किया जाए आज होनी है। और भाई एक दिन पहले हुई बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने भी ये साफ कर दिया है कि लेफ्ट कांग्रेस और आरजेडी मिलकर बिहार में चुनाव लड़ेगी। उन सभी के बीच में लगभग सहमति बन चुकी है। और इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव का यहां तक कहना है कि सभी को सम्मानजनक सीट इस गठबंधन में दी गई है। तो बड़ी खबर सीट शेयरिंग के ऊपर बात बिहार में अब बन चुकी है। तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि आरजेडी कांग्रेस और लेफ्ट इनके बीच में न सिर्फ सहमति बनी है बल्कि सम्मानजनक सीटें सभी को दी गई हैं। बात जो है बन चुकी है ना, और एक आध दिन में जो है सारी चीजें हम आपको बता मॉरली वी आर अग्री, हम लोग अग्रीड हो गए हैं कि लेफ्ट पार्टियां कांग्रेस पार्टी या आरजेडी पार्टी मिलकर के आगामी चुनाव साथ लड़ेगी। और सीटों की जहां तक बात है, सबको सम्मानजनक सीटें जो है मिल रही है और जल्द ही इसका ऐलान जो है हम लोग पटना चल करके।